नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 15 नवंबर सन 2021। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो जीन्स में क्या संभावना बनेगी, जीरे के अंदर क्या संभावना बन सकती है, ऑयल सीड की सबसे बड़ा ऑयल सीड सोयाबीन के अंदर क्या संभावना बन सकती हैं, इसके अलावा चना यानी दलहन के अंदर क्या संभावना बन सकती है, इसके अतिरिक्त शेयर बाजार के अंदर कौन से शेयर आज मजबूती दिखा सकते हैं और निफ्टी के अंदर आज क्या संभावना बन सकती है, बुलियन पैक के अंदर यानी सोने चांदी के अंदर क्या संभावना बनेगी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में सबसे पुरानी एक पद्धति है जो आपको बाजारों के उतार चढ़ाव की सटीक विश्लेषण देने में सक्षम है और ये अक्सर सत्य साबित होती देखी गई है। दोस्तों, आज इससे पहले हम आगे चले आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। चंद्रमा आज मीन राशि में है जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु एवं शनि मकर राशि में होंगे, सूर्य बुध एवं मंगल तुला राशि के अंदर विराजमान है और ये सब ग्रह सहयोग मिश्रित रुख की ओर इशारा कर रहे हैं। स्टॉक वॉच के आज ग्रह सहयोग मिश्रित रुख की स्थापना कर सकते हैं, शुरुआत में तेजी और अंत के अंदर मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय शेयर बाजार के अंदर IEX इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज यानी इलेक्ट्रिक इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, हीरो होंडा कॉर्प पे नज़र रखी जा सकती है और भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC पर भी नज़र रखी जा सकती है, लेकिन समय पे मुनाफा वसूल करना निहायत ही जरूरी होगा। एग्रोपैक के अंदर आज जीरे में तेजी की संभावना बन सकती है, दलहन के अंदर चना दाल एवं चना धीरे धीरे मजबूती की ओर अग्रसर हो सकता है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के अतिरिक्त बड़ी शादी यानी मैरिज फेस्टिवल्स की वजह से भी चने के अंदर लगातार सुधार आने की संभावनाएं बन रही हैं। ऑयल पैक के अंदर सोयाबीन में तेजी की संभावना बन सकती है, इसके अंदर विशेष ख्याल रखें। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने सरसों एवं सोयाबीन की खरीद का भी एक टेंडर जारी किया है, लगभग 1,00,000 टन सोया और 1.3 लाख टन सरसों तेल का खरीदा जाना प्रस्तावित है। ये PDS योजना के जरिए मार्च सन 2022 तक यूपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने की संभावना है, इसका भी सकारात्मक प्रभाव बाजारों पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि तिलहन और दलहन पर जबरदस्त तेजी को देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इसकी कीमतों में नियंत्रण रहे, लेकिन तिलहन पर सरकार के नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी बाजारों के अंदर तिलहन यानी सोयाबीन, पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल की तेजी मंदी का असर पूरे विश्व में पड़ता है, भारत भी इसमें शामिल है। कमोडिटी वॉच आज बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है। गौरतलब है हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको सोने एवं चांदी में जबरदस्त तेजी की बात कही थी जो अक्षर सत्य साबित हुई और नेचुरल गैस के अंदर गिरावट की भी संभावना व्यक्त की थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। पिछले सप्ताह फ्राइडे को यानी शुक्रवार को नेचुरल गैस के अंदर लगभग 7% की एक तरफा बड़ी गिरावट दर्ज हुई। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण कर अपनी बात कहती है जो अक्सर सत्य साबित होती है। दोस्तों, आपको ये शो पसंद आता है तो अपना इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से आपकी सेवा कर सकें, आपके लिए हर रोज नई सूचना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।